अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है जी 1 बज रहे हैं, वो भी रात के। अगले दिन का आगाज़ हो चुका है, तो बस मैं जो है थोड़े से घर के काम कर रही हूँ, अभी बच्चों को भी उठाती हूँ तो उनको भी जो है तैयार करूँ। और जी किचन की भी सफाई मैंने कर ली है, और कुछ कपड़े थे जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म और वैसे ही जो है नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े, वो भी सारे मैंने धो दिए, क्योंकि जब हमने वापस आना है उससे नेक्स्ट डे जो है मैंने भी काम पे जाना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है। तो इसलिए जो है घर भी सारा साफ कर लिया, कपड़े भी धो लिए, किचन भी टाइडी अप कर लिया। अब यहाँ पर बच्चे उठ चुके हैं और मैं उनको कर रही हूँ जी तैयार। जी रफिया मैडम यहाँ पर तैयार हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसके बाल बनाए हैं। अदीन साहब अभी सो रहे हैं, उसको मैं कही जा रही हूँ उठ जावे, टाइम हो गया है। तो ये रबिया शूज पहन ले, तो रबिया मैडम रेडी है। I got my pink wear in my and I've got my pink bag. Are you excited, Mamudi? Yeah. यहाँ पे जी रबिया तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से, और ये देखे रबिया तो बड़ी खुश है, रबिया को तो नींद भी नहीं। Pink jumpsuit and my pink bag. और ये देखे मैंने इसके बाल बनाए, दिखाओ इधर पीछे से, ये रबिया का हेयर स्टाइल। शूज ठहरो मैं आपको देती हूँ, आपके ये आपके शूज, ये वाले आपने ट्रेनर्स अपने पहनने हैं, ठीक है? हाँ न्यू ट्रेनर्स। चलो खुशी, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई, तो इस आंख में जो है रेडनेस हो गई है मेरे, तो लेंस मैंने नहीं लगाए, ग्लासेस ही आज सारा दिन लगा के घूमती फिरती रहूंगी। और बड़े कंफर्टेबल मैंने कपड़े पहने हैं साथ इसके, ये देखें एयररिंग्स भी मैंने मैच किए हैं, और ऊपर अभी कोट पहन लिया है क्योंकि यहाँ से हमने जाना है एडिनबरा एयरपोर्ट, वहाँ से हमारी फ्लाइट है, तो रात का वक्त है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और बच्चों को भी लग रही है, बच्चे तो यही कही जा रहे हैं स्पेशली अदीन के, आई एम सो टायर्ड, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन एक्साइटमेंट भी है जी हॉलीडेज पे जाने की। तो बस अभी सबका इंतजार कर रहे हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो एक ही दफ़ा हम सब जो है निकलेंगे एडिनबरा एयरपोर्ट के लिए। बच्चे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं जैकेट से। Guys, it's 2:00 in the morning. Why are you watching TV? It's because all day we were doing packing, we were tidying up. I was so tired, and the only free time I got was when I was eating dinner where we got from home. And now I finally woke up, so we're just watching some TV to relax because we were watching so much. No, I mean we were. जी रबिया भी यहाँ पे, रबिया को अब नींद आ रही है, ये सारी रात नहीं सोई मैडम, और अब इसको जो है ना नींद आ रही है, रबिया को जैकेट्स पहन ली है रबिया ने भी, लेकिन बच्चे जो है ना अब थक गए हुए हैं। और ये हूँ जी मैं यहाँ पे, और बच्चे देख रहे हैं टीवी क्योंकि अब टाइम पास करना है, तो अब जी नाश्ता भी नहीं अभी करना क्योंकि नाश्ता हम एयरपोर्ट पर जाके करेंगे, तो 2 बज रहे हैं रात के, अब क्या खाना है। जा रहा है कार में लेके जा रहे हैं आप हम बाहर, तो आई चलो 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 बच्चा पार्टी, थैंक यू मबिया, यहाँ पे हमारा रखा गया, आज ये कार में ही रहने दो, सामान रखा गया यहाँ पे, सामान सारा रखा गया, तो मेन डोर लॉक करके, तो अब जा रहे हैं जी हम अपनी मंजिल की तरफ, तो मिलते हैं आपको जाके हम एडिनबरा एयरपोर्ट। सारी पार्टी रात के 2 बजे, प्रातःकाल 2 बजे, आप लोग सोए नहीं है रात को? तो सही है भाई, सही हो तुसी सारे। के सूते हाल का अंदाजा इनके बालों से लगा ले, बाहर कितनी हवा चल रही है, आ जाओ आ जाओ। Welcome to क्या? Welcome to जा रहे हैं जी हम अब अंदर हैगा, और ये है हमारा सामान, और ये यहाँ पे जा रहे हैं आगे। बड़ी सर्दी है, बड़ा तर गया, मैं कहती हूँ सर्दी ने तो इतनी शदीद सर्दी, बाकी सवारियाँ पीछे आ रही हैं सारी, मैं ही आगे जा रही हूँ, लेकिन ओफ बड़ी सर्दी है बहुत ज़्यादा। इनसाइड हम आ चुके हैं, तो चेक इन करेंगे, बस अदीन रबिया वो भी आ रहे हैं सब, तो हम ज़रा आगे
हैं सारे? यह रेडी? चलो चलो। सारे माशाल्लाह पहुंच गए, सारे माशाल्लाह आ चुके हैं। जी दादो सबको दे रही है चॉकलेट्स, दादो आई ट्रीट लेके आई। चलो दे दो। थैंक यू। वाह अदीन आप मेरे से ले लो। नहीं ये तीन की प्लस है। वाह दीनी, अरे नाश्ते इधर ही शुरू हो गए हैं। नाश्ता शुरू, नाश्ता। ये देखें खाने पीने का पूरा पूरा सब। तो जी ये इस्माइल साहब सूटकेस में बैठ के जी चेकिंग हो रही है सारी। इधर अब सामान चेक हो रहा है और हमारा यहाँ पे वीजा चेक डबल कर दिया। इनके वजन हो गए हैं और ये अभी रहते हैं। आराम से रख भाई मेरा सूट कैसे तोड़ेगा हीरो। मान सारा हमारा हो गया क्लियर। वजन कम ही था क्योंकि ये सूटकेस पाकिस्तानी ना जा रहे इसलिए, और यहाँ पे पूरी पलटून आ रही है। यहाँ पे जी अब लगेज जाएगा। चलो हाँ तो यहाँ से जी जाएंगे हम अब ऊपर और चेक इन होएगी। अब से रबिया ऊपर है। किधर आई है? मस्ती चिली चलो सही है मैडम। यहाँ पे पहुँच गए हैं। हेल्थ का सारा लिक्विड का सामान अब जा रहे हैं जी हम आगे। फाइनली जी हो गया, सिक्योरिटी सारी चेक हो गई, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब जीटी फ्री यहाँ पे आ चुके हैं और खाने के लिए कुछ देखेंगे। अगर हमें कुछ मिल गया आपको एक दिखा रहे हो। ये देखो किचन, दैट्स नाइस। इसकी भी अच्छी है। और दादो यहाँ पे चेक कर रही हैं जी, कुछ क्या चेक कर रही हैं? रिंग्स, वाह वेरी नाइस, बहुत प्यारी है ये वाली। ये भी बहुत प्यारी है। Which one shall I buy? ये वाली, ये जो भी पहनी है आपने। हाँ ये बहुत प्यारी है। ऐसे ही ड्यूटी फ्री का फायदा उठा रही है। ड्यूटी फ्री पे दिल खोल के मैं कहती हूँ विंडो शॉपिंग हो रही है। जो जो अच्छा लग रहा है लगा रहे हैं, जो जो पसंद आ रहा है चेक कर रहे हैं। चलो जी बाकी देते पता नहीं कितना रुपया इधर है, तू ही ना गुआ जाए नहीं आ जाए इधर। दीन इधर बैठ के देख कर रहा है अपनी ड्राइंग। दीनी और रबिया ने भी सामान अपना यहाँ पे खोल लिया और बस जी अब यहाँ पे आके बैठ गई है। मैं तो थक गई हूँ और बच्चे ये हैं। तो वो है जी पीछे ब्रिटिश एयरवेज और हमारे वाला रॉयल एयरलाइन, पता नहीं किधर है, इधर तो नहीं नज़र आ रहा। ओके अबे जी दादो पूरा पूरा सामान लेके आई हुई है बच्चों के खाने पीने का। रबिया की फेवरेट सैलरी स्टिक्स। रबिया तो जी अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, गेट 27 उधर जा रहे हैं।
फूड साइड यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, लेकिन हमने जो खाना था खा पी लिया, तो अब जा रहे हैं। ये है जी रायन एयरलाइन, ये है साडा जहाज जिसमें हमने जाना है बैठ के। बस निक्का सारा ही जहाज है और बच्चा पार्टी यहाँ पे बैठ चुकी है। तो जी फाइनली अब प्लेन में जा रहे हैं, बच्चे भी टायर्ड। हमारी अनाउंसमेंट हुई है अभी, हो गया हमारा, अब जा रहे हैं हम प्लेन की तरफ। सबका इंतजार किया जा रहा है, आ गए जी। अगेन सर्दी, सर्दी की लहरें पड़ रही, सर्दी सर्दी। ये मैडम आगे जाके, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा। तो जी हम अब जा रहे हैं, वो है सामने जहाज, और जाएंगे और बैठेंगे जहाज में हम। हाय, काश ये पाकिस्तान का होता तो और खुशी होनी थी, लेकिन चलो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएंगे। तो ये देख रहे जी, यहाँ पे ऐसे सर्दी में मार के हमें लेके जा रहे हैं, नहीं तरसा तरसा के लेके जाएंगे आज। मेरे बालों का हाल चेक कर ले, ऐसी हॉलीडेज पे चल रहे हैं सर्दी च मर मर के। ऊपर देख लें जी चंदा मामू, और नीचे साडा जहाज। इतनी नजदीक से जहाज को देखने का मौका हमें कहाँ मिलना था। देख लो ये भी उड़ी उड़ी जा रही है। जहाज फुल है, फुल है, फुल है, जा रहे हैं आगे, देखते हैं आगे जा। 20 सो ये हाँ, चलो बैठ जा। जी रख रहा है जैकेट ऊपर, और बड़ा ही स्क्वीज है, जगह नहीं है इतनी। ये रबिया इधर बैठी है। प्लेन में हम बैठ चुके हैं, और मैडम इस वक्त सब लोग सोएंगे, और ये बुक पढ़ेगी क्योंकि ये सो के उठ चुकी हुई है। तो रबिया कैसा लग रहा है आपको? कैसा गुजर रहा है? दीन खेल रहा जी अपनी टैबलेट पे, क्योंकि टीवी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जी एयर होस्टेस हमें बता रही है हिफाजती इंतजाम का, और अल्लाह ना करे कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसमें, जैसे ही इनका एक होता है पूरा बताते हैं। और यहाँ पे जी हमने भी अपना बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि बच्चों के कानों में जो है बहुत जैसे दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं ईयर प्लग्स ले आई हुई थी, और ये अदीन ने, रबिया ने और मैंने, हमने तीनों ने जो है अपने कानों में इनको रख लिया, ताकि जो है कानों में दर्द ना हो। और मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जी बच्चों के फादर किधर हैं, आप उनका कभी जिक्र नहीं करती। तो जो आप मेरे ब्लॉग में देखते हैं, मेरी डेली रूटीन में जितने हम आपको घर में नज़र आते हैं, हम उतने ही हैं, और अपने हिस्से की जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो पूरी कर रहे हैं। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी चल रही है, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं शेयर करती, और आप सब इतने समझदार हैं माशाल्लाह से, समझ जाएंगे मेरी बात को। यहाँ पे जी हमारी परवाज तैयार है उड़ने के लिए, और रबिया मैडम माशाल्लाह से बड़ी खुश है, और स्पेशली इसी साइड पे बैठी है ताकि देख सकें। और इस वक्त जी बच्चे टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं ड्राइंग्स, अदीन गेम खेल रहा है क्योंकि टीवी नहीं है, और चार घंटे